हे गाइज, वेलकम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ MBA CET रीटेक एग्ज़ाम और CMAT 2023 की अभी एग्ज़ाम होने वाली है, तो इस पे मैं कंप्लीट ज्योमेट्री की ये रिवीजन वीडियो लाया हूँ ताकि आप लोग को जितने परसेंटाइल टारगेट किए हो वो आप अचीव करो, ठीक है। लाइक इससे पहले मैंने अर्थमेटिक की वीडियो लाई थी, ठीक है, वो रिवीजन वीडियो थी और उस लाइक वो वीडियो बहुत लोगों ने पसंद किया आई थिंक। तो मैं इसके अभी सीरीज चला रहा हूँ, लाइक अभी पूरे क्वांट्स की लाइक अभी सीरीज चल रही है लाइक हम लोग की, ठीक है। इससे पहले लाइक अर्थमेटिक चली, फिर ज्योमेट्री चली, इसके बाद लाइक नंबर सीरीज आएगी, फिर नंबर सिस्टम। तो उसी तरह हम लोग की एक सीरीज रिवीजन वीडियो चलती रहेगी ताकि आप लोग को दोनों एग्ज़ाम है, ठीक है, MBA CET का 6 मई को है और CMAT का है आपको 4 मई को एग्ज़ाम है, तो आप इस दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, आपकी पूरी ज्योमेट्री की जो रिवीजन है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लाइक ये हम लोग का लाइक MBA CET कम्प्लीट ज्योमेट्री रिवीजन टारगेट 99% है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं क्या है, और हमारी जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग जरूर वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और लाइक हम लोग की फर्स्ट क्वेश्चन अगर बढ़े तो ये है, इफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 768 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 523 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द थर्ड साइड इज एन इंटीजर, ठीक है, ये इंटीजर, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल पॉसिबल। तो आपसे पूछ रहे हैं डिफरेंट ट्रायंगल पॉसिबल कितने हो सकते हैं, मतलब दो साइड दिए हुए हैं आपके, 768 दी हुई है और 523 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है थर्ड साइड इज एन इंटीजर है, ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको एक चीज यहाँ पे पता होगी कि लाइक हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स, ठीक है, अगर हम लोग करते हैं सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है, होती है ये। और हम लोग अगर मानते हैं डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स तो वो क्या होता है, लेसर देन थर्ड साइड, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा है सेम, ओके। तो ये दोनों आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे ट्रायंगल में, ठीक है। तो लाइक ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहे नंबर ऑफ पॉसिबल कितने हो सकते हैं यहाँ पे। तो एक बात बताओ यहाँ कि लाइक मैं एक ट्रायंगल ले लूँ, लाइक ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है, लाइक इसका मैंने साइड ले लिया 15 ले लिया, ठीक है, और एक 24 ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और इसको एक्स मान लिया मैंने, ठीक है। तो एक्स जो है ठीक है, तो दो को साइड जो है 24 और 15 कितना हो 39, ठीक है, तो नंबर ऑफ टू साइड्स जो ये 39 है वो एक्स से बड़ा होगा थर्ड साइड से, और छोटा किससे होगा, डिफरेंस बिटवीन टू साइड 15 और 24 का डिफरेंस क्या होगा 9, ठीक है, एक्स बड़ा होगा मतलब 9 से, ठीक है, और छोटा किससे होगा 13, और 39 से क्या होगा ये छोटा होगा, ओके। तो ये है आपका टोटल जो मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पॉसिबल क्या हो सकते हैं, यहाँ पे एक्स क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12, इस तरह सो वन करते करते 38 तक जाएगा, इसी बीच में से नंबर आएंगे 9 और 39 में से, इसी बीच में से आएंगे नंबर, ठीक है। तो पॉसिबल हम लोग के पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे, पॉसिबल हमारे पास कितने हो जाएंगे 29, ठीक है, 29, ठीक है, 29 नंबर्स, ठीक है। तो एक बात आप लोग एपी में पता होगा कि हम लोग को अगर जब भी कुछ करना रहता है लाइक लास्ट टर्म का फाइंड आउट करना रहता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे जब भी हम लोग क्या करते हैं लास्ट टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, ठीक है, लाइक 38 माइनस अगर 10 करेंगे तो उसमें प्लस 1 ऐड किया जाता है, ठीक है, प्लस 1 क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो यहाँ 38 माइनस
10 कितना हो जाएगा 28, 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा 29, तो आपका 29 आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको किया जाता है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला आपको शॉर्टकट में बताता हूँ यहाँ पे क्या है। नंबर ऑफ अगर पॉसिबल ट्राइंगल अगर आपको निकालना रहता है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल अगर मैं बोलूँ, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल, तो ये क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल अगर बात करूँ, टू इंटू स्मॉलेस्ट साइड आप कर लो, ठीक, टू इंटू स्मॉलेस्ट साइड माइनस वन करो। ठीक है, लाइक क्या है आपका, टू इंटू स्मॉलेस्ट साइड दोनों में से कौन है, यहाँ पे हमारा 15 और 24 में से कौन है, 15 है, तो सिंपल हम लोग 15 लिख देंगे, माइनस वन कर दो, कितना आ जाएगा 29, ये भी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, 768 और 523 है। इस सब शॉर्टकट फार्मूला निकाल लो आप लोग, इसका जो मैंने बताया है शॉर्टकट फार्मूला से अगर ये हम निकालोगे, अगर मैं इस ट्रायंगल को इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, वन सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे आप, टू इंटू स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट कौन है हमारा, 523 हो गया। ठीक है, 523 करोगे, ठीक है, माइनस वन करोगे, इतना तो करोगे, तो इसको करोगे 523 को 2 से, तो 1046 आएगा, माइनस वन, तो 1045 इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो 1045 इज योर राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन सीमेट और सीईटी में लाइक हमेशा पूछे जाते हैं, लाइक इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एमबीए सीईटी और सीमेट के क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहना, जो भी डाउट आएगी वो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके जरूर आंसर करूंगा आप लोग को। ठीक है, और या मुझे डीएम भी कर सकते हो, हमारे दोनों इंस्टाग्राम की भी लिंक है एमबीए शाला से, मेरी पर्सनल आईडी की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स फॉर्म फ्रॉम द साइड 11 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर एंड एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, वेयर एक्स इज एन इंटीजर, तो एक्स इंटीजर है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था लास्ट कॉन्सेप्ट, लाइक क्या है कि यहाँ पे एक्स है, सम ऑफ टू साइड्स क्या हो जाएगा, 23 प्लस 1 कितना हो जाएगा 34, और ये डिफरेंस बिटवीन टू साइड कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता है, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड मतलब एक्स, और डिफरेंस बिटवीन टू साइड ऑलवेज 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 लेसर देन एक्स। ठीक है, मतलब थर्ड साइड, तो थर्ड साइड हमारा एक्स है यहाँ पे। ओके, तो इतना पता होगा। तो इस दोनों में से मैं मुझे आप बताओ कि 12 और 34 में से क्या क्या नंबर आ सकता है एक्स में, 13 आएगा, 14 आएगा, ठीक है, 14 आएगा, 15 आएगा, ठीक है, 16 आएगा, तो सो ऑन करते करते कहाँ तक जाएगा, 33 तक जाएगा। ये बात तो आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे आई थिंक। ठीक है, तो हम लोग 33 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 33 माइनस 13, 33 माइनस 13, ठीक है, प्लस वन करोगे, उसके बाद प्लस वन करोगे तो जीरो, 3 माइनस 1 20 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 21। ठीक है, 21 आपका आएगा, ये पॉसिबल वैल्यूज आएगा। ठीक है, x का, ये x का क्या आएगा, पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, इतना वैल्यू आएगा आपका। अब बात करते हैं हम लोग कि लाइक 11 और 23 तो आपको साइड दिया हुआ है। ठीक है, मानते हैं हम लोग, मानते हैं यहाँ पे कि लाइक एक ट्राइंगल है ये वाला, एक ये ट्राइंगल हुआ। ठीक है, इसमें क्या क्या है, 11 आ गया, 11 23 तो है आपका, x का मानते हैं यहाँ पे हम लोग क्या क्या लिए थे, पहले 13 लिए थे, एक 13 होगा, प्लस करो, फिर एक और ट्रायंगल लिए हम लोग, फिर 11 लिए, फिर 23 लिए, फिर यहाँ पे 14 लिए। ठीक है, ये 23 है, फिर तीसरा ट्रायंगल लिए, ठीक है, तीसरा ट्रायंगल लिया, फिर यहाँ पे हम लोग क्या किए, 11 लिए, 23 लिए, और ये 15 लिए। जैसे एपी में बढ़ता है वैसे कर रहे हम लोग, यहाँ प्लस लिए, उसका सो ऑन करते करते कहाँ तक जाएगा, एक और ट्रायंगल आएगा लास्ट में। ठीक है, लास्ट में तो आएगा, ये भी 11 लिए, 23 लिए, और ये क्या लेंगे हम लोग, 33 लेंगे।
ठीक है, इतना तक तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, इतना तक आप लोग समझ रहे होंगे। तो 11 और 23 कितना होता है हमारा? 34 होता है। अब इसको जोड़ दो, तीनों साइड जोड़ते हैं ना ट्रायंगल, 34 + 13 करते हैं हम लोग, करते हैं ऐसे ही। फिर 34 प्लस क्या करेंगे, 23 + 34 होता है, फिर 14 करेंगे ऐड, ठीक है, करते हैं हम लोग ऐसा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 34 + 15 जो थर्ड ट्रायंगल का मैं बता रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, प्लस कर दो। उसके बाद प्लस सो वन जाते जाते कितना हो जाएगा, 34 + 33, ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग के पास जो पॉसिबल, मेरे पास क्या था इसमें, 21 पॉसिबल आया था, ठीक है, एक्स का जो आया था वो कितना आया था, ये आया था 21 पॉसिबल ट्राइंगल्स, ठीक है, 21 पॉसिबल आएगा। तो 34 तो हमारा है और ऑलरेडी है, इनटू क्या करेंगे 21, ठीक है, प्लस में क्या कर देंगे, जो हमारा बन रहा था 13 से लेके कितना बन रहा था, 13 बन रहा था, 14 + 15, ठीक है, +15, और सो वन जाते जाते कितना आ जाएगा आपका 33, ठीक है, आपका 33 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, एपी अगर आप लोग पढ़े होगे, एपी पढ़े होगे, तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सबको पता होगा, n/2 a+l होता है, पता है आप लोग को। एन हमारा क्या था, 21 ही ना था, 21 आया था पॉसिबल वैल्यूज। ए हमारा क्या है, 13 है। एल क्या हमारा, 33 है लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 21/2, 33 और 13 कितना होता है, 46, 46 होता है यहाँ पे, 2 से करो, 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 483 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है, इतना आ जाएगा 483। उसके बाद तो यही है, उसके 483 आपका आ गया। तो यहाँ पे जो हम लोग का, ये यहाँ पे जो टर्म हम लोग छोड़े थे, ये वाला, यहाँ से हम लोग पहले ए बी का निकाल लिए, कितना आया हम लोग बस 483, उसके 34 * 21 करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 714, 714 प्लस ए पी हम लोग क्या निकाले हैं, 483, 483 ये आया है। तो इस दोनों को जोड़ो, जोड़ोगे आप तो कितना आएगा आपके पास, 1197, क्या आएगा, 1197 इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, लाइक इसमें कुछ है था नहीं, लाइक पेरीमीटर मैंने यहाँ पे पूछा था, और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था हमारा, वहां पे मैंने सीधा पूछा था आपसे थर्ड साइड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड साइड अगर एक्स दी हुई है तो इतना आपको पता होगा, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स इज ऑलवेज लेसर देन थर्ड साइड। तो आप, मैंने यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे 33 और 13 का डिफरेंस निकाल के यहाँ पे 21 पॉसिबल वैल्यूज ले आई, उसके मैंने सो एड सो ऑन एपी पे रख के जितने ट्रायंगल्स पॉसिबल बन रहे थे उन लोगों का दोनों तीनों साइड निकाल कर एपी के फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे जितने भी एपी आए थे 13 से लेकर 33 तक, a+l से मैंने यहाँ पे एपी का लाया 483, उसके बाद इसे प्लस कर दिया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ठीक है, तो लाइक ए बी सी आर इंटीजर्स एंड साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, इफ ए बी इक्वल टू 4 देन फाइंड सी, मतलब ए बी सी एक इंटीजर्स है, ठीक है, एंड द साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल इफ ए बी इज 4 इक्वल टू 4 देन फाइंड सी, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा आपको कि लाइक देखो, इसमें अगर मैं बोलूं कि ऑब्ट्यूस एंगल कितना, आप लोग ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में कुछ पता होगा तो आप लोग बताना कमेंट में क्या है। मुझे जितना पता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के, जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो ऑलवेज जो होता है उसका साइड a² + b²
लेस देन सी स्क्वायर को आता है, मतलब थर्ड साइड के, ठीक है, इतना आप लोगों को पता होगा ऑब्टियूस ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। एक्यूट क्या होता है, अगर मैं एक्यूट बोलूँ तो एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन थर्ड, मतलब सी के, ठीक है। और राइट क्या होता है, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल की बात करूं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ए बी है वो हमारा फोर है, ठीक है, ए बी हमारा क्या है, फोर है आप, ठीक है। तो मानते हैं ए बी जो है हमारा फोर है, मतलब ए इंटू बी हमारा क्या है, फोर है। तो एक पॉसिबिलिटीज हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज लेके चले, अगर मानते हैं फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वन इंटू फोर ले, वन इंटू फोर ले तभी फोर बनेगा, तुम्हारा ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन होगा, और बी क्या होगा हमारा, फोर होगा, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो जो यहाँ पे हम लोग को सी बोल रहा है सी निकालने के लिए, तो सी जो हम लोग लिखेंगे तो सम ऑफ टू साइड फोर वन प्लस फाइव, ये फाइव बड़ा होगा और लेस कितना होगा, थ्री, तो तीन और पांच मतलब चार, सी इक्वल टू फोर। तो देखो सी इक्वल टू फोर, तो मतलब पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी, एक वन आएगा लेने के लिए ऑब्टियूस एंगल में, एक वन आएगा ये, एक बी क्या आएगा हम लोग के पास, फोर और फोर। अब ऑब्टियूस एंगल ये बनेगा, चेक करते हैं हम लोग क्या बनता है कि नहीं। ऑप्टियोस एंगल के लिए क्या करते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर फोर सिक्सटीन सेवनटीन, सेवनटीन, ठीक है, लाइक सेवनटीन जो है, ठीक है, सेवनटीन इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, सी, फोर फोर जा सिक्सटीन, ओके। तो ये क्या हो गया, ये तो लेसर नहीं हो गया, सेवनटीन तो बड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑब्टियूस एंगल नहीं बन रहा है। तब देखते हैं एक और पॉसिबिलिटीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये नीचे वाला, ठीक है, ऑब्टियूस नहीं मिटा रहा, ठीक है। अगर मैं इसका बात करूँ, ये सी स्क्वायर था, ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटीज लेके चलूँ, ए इंटू बी, ए इंटू बी बराबर फोर बोला है, तो यहाँ टू इंटू टू अगर मैं बोलूँ तो कोई गलत नहीं है, पॉसिबिलिटीज तो होगी, टू इंटू टू भी फोर होता है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू, और बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू। तो सी कितना हो जाएगा, ग्रेट टू टू द फोर, टू टू द फोर मतलब एट, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टू प्लस टू फोर, ठीक है, सी का, और लेसर देन जो टू टू जीरो, मतलब जीरो से फोर के बीच में, ठीक है। तो हमारा क्या क्या आ जाएगा, सी का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ जाएगा, वन टू थ्री। तो हम लोग बैठा के देखते क्या क्या, लाइक फर्स्ट हम लोग ए लेना है क्या, टू, बी लेना है टू, सी में पहले वन देखते लेके। तो इसको करोगे टू टू जो फोर, टू टू जो फोर, फोर प्लस फोर एट, नहीं ये फर्स्ट तो नहीं होगा आपका, फर्स्ट नहीं होगा, फिर टू 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 देखो लो करके, टू टू टू, टू टू जो फोर, टू टू जो फोर, ये भी नहीं होगा, ये तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला करके देखो, टू टू थ्री, हाँ टू टू जो फोर, टू टू जो फोर, ये एट होगा यहाँ पे, एट इज लेस देन नाइन, मतलब थ्री का स्क्वायर। तो ये आपका पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आएगा, सी का मतलब तीसरा जो लोगे, मतलब टू टू थ्री इज योर राइट आंसर, मतलब इसका क्या होगा, फाइंड सी का मतलब टू टू थ्री, ठीक है, इतना आएगा ये नंबर इसका सी का रहेगा, ओके। तो ये आपका सी का आपका पॉसिबल वैल्यूज आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्टिकस एंगल ट्रायंगल के बारे में था। तो सारा कुछ ट्रायंगल आप लोग पढ़ के जाओ, एक्यूट, राइट एंगल, ऑप्टिकस, सब सारे का प्रॉपर्टीज, ये सब सबको पढ़ के जाओ,
ठीक है, मैं यहाँ पे डिवाइस भी करा रहा हूँ, ठीक है, जो लोग अभी तक पढ़े भी नहीं थे तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। और जो भी लोग ज्योमेट्री की रिवीजन कर रहे हो फिर अभी से, ठीक है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? देयर इज अ पॉइंट इन साइड द ट्रायंगल वेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड इज टू रूट थ्री, थ्री रूट थ्री एंड फाइव रूट थ्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं बोलूं कि उसका हाइट दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, हमारा देयर इज अ पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर मतलब हाइट, हाइट क्या दिया हुआ है हमारे पास, टू रूट थ्री, थ्री रूट थ्री, फाइव रूट थ्री, ये हाइट दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? रूट थ्री बाई ए, रूट थ्री बाई टू ए, इतना तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, ये होता है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हाइट इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, टू रूट थ्री प्लस थ्री रूट थ्री प्लस फाइव रूट थ्री, इतना कर देंगे, फिर रूट थ्री बाई टू हाइट इधर रख देंगे, टू ए, इस तीनों को ऐड करो, फाइव थ्री एट, टेन, टेन रूट थ्री, टेन रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 20। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया निकाल लो यहाँ पे, एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्या होता है, रूट थ्री बाई फोर। ये सब याद करते रहना फॉर्मूला आप लोग, मैं जितने लिख रहा हूँ अगर भूल गए हो तो लिख लेना है सबको सबको कॉपी में, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है, एक नोट बना लो यहाँ पे। रूट थ्री बाई फोर करोगे, ए कितना आया हमारा 20, तो 20 को दो बार लिखो या स्क्वायर लिखो, 400 या 20, 20 दो बार लिख दो, इजी रहेगा। फोर फाइव जो आ गया, ठीक है, तो फाइव टू जो 10 मतलब 100√3 आ गया आपका, ठीक है, 100√3 इज योर राइट आंसर, ठीक है, तो 100√3 इज योर राइट आंसर। तो ये इजी सा क्वेश्चन था ये छोटा सा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है इफ द इन सेंटर ऑफ द ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल lies inside the triangle and its radius is 5 cm, find the area of equilateral triangle, ठीक है। तो वो देखो, इतना आप लोगों को पता होगा कि radius of in center का जो radius होता है, radius of inner का, ठीक है, inner का मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, a बाई टू रूट थ्री होता है, इतना आप लोगों को पता होगा। और मैं यहाँ पे साइड में बता दूं कि हमारा एच हाइट तो समझ रहे होगा आप लोग, जो मैंने पीछे बताया, क्या बताया था, रूट थ्री बाई टू ए, इतना तो पता होगा। कैपिटल आर की बात करूं तो ये क्या होता है हमारा, सरकम रेडियस, क्या होता है, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, 2/3 h होता है, मतलब हाइट के इंटू होता है, तो हाइट का इंटू करोगे ना तो इसी को सॉल्व करके आता है, मतलब रूट थ्री बाई टू ए, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री कट जाता है, तो नीचे आ जाता है a बाई रूट थ्री कट के, तो ये रहता है हमारा आर का, मतलब सर्कम रेडियस का। और वही जो स्मॉल आर होता है, जो अभी मैं बता रहा हूँ ये वाला, ये होता है हमारा 1/3 h होता है, तो इसी को आप लोग सॉल्व करते हो, 1/3 रूट थ्री बाई टू ए करोगे ना, तो यही आता है आपको सॉल्व करके, a बाई टू रूट थ्री, ठीक है, तो यही आता है, ओके। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारा h कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है स्मॉल r, ठीक है, इतना दिया हुआ है, फिर a बाई टू रूट थ्री करो, इसको एज इट इज रहेगा, a बराबर क्या हो जाएगा,
टेन रूट थ्री, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया भी हम लोग फाइंड किए थे लास्ट क्वेश्चन में, क्या था हमारा एरिया, रूट थ्री बाई फोर क्या था हमारा, इसका स्क्वायर कर दो, यही था। रूट थ्री बाई फोर 100 × 3, ठीक है। तो ये कर दिए, चार से कितना बार में गया, 25 बार में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 75 √3 इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो 75 √3 ये क्या है इसका आंसर इस क्वेश्चन का। इजी सा क्वेश्चन था, आपको सबसे पहले याद रहना चाहिए कि इन रेडियस का क्या होता है, जो इन इन सेंटर का रहता है, मतलब इन रेडियस क्या होता है, ए बाई 2√3 होता है, और हमारा सर्कम रेडियस और हाइट ये सब के कितने, सब के फॉर्मूलाज आपको याद रहना चाहिए इसमें। फिर आपको एरियाज में आपको एरिया के फॉर्मूला याद रहना चाहिए, रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लाइक लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल विद बी सी एज द हाइपोटेनस, लेंथ लेंथ्स ऑफ ए बी एंड ए सी आर 15 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, द मिनिमम पॉसिबल टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू रीच द हाइपोटेनस फ्रॉम ए एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले हम लोग बनाते हैं, ऐसे ऐसे दिया है वैसे वैसे बनाते हैं, ठीक है। ये मानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है, आप लोग को आता होगा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये ए है, ठीक है, मानते हैं ये ए है, ठीक है। ये बी है, ये सी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। नीचे राइट 90 डिग्री रहता है। बी सी इज अ हाइपोटेनस है, ठीक है, हमारा बी सी हाइपोटेनस है, ठीक है। लेंथ ए बी एंड ए सी आर 15 एंड 20, ठीक है। ये 15 है, ए बी 15 किलोमीटर है, और ये कितना आपको 20 किलोमीटर है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द मिनिमम पॉसिबल टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू रीच हाइपोटेनस फ्रॉम ए एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाएगा, ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, इसमें सिंपल क्या बोल रहा है कि ए जो है एंगल ए से हम लोग को हाइपोटेनस में जाना है, मतलब ये हाइपोटेनस है, ये वाला ये लाइन हाइपोटेनस है, मतलब यहां पहुंचना है कम से कम टाइम में, ठीक है। तो हम लोग को सबसे, अगर इधर से जाएंगे तो लंबा है रास्ता, इधर से भी लंबा है, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, स्ट्रेट से ही जाएंगे, तो सबसे कम टाइम में पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पहुंचना है हाइपोटेनस में, तो ये लाइन हम लोग सीधा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यही फिगर, अगर मैं फिर से समझाता हूँ आप लोग को, यहाँ पे ऐसे हम लोग फिगर बनाए, ठीक है, ऐसा फिगर बनाए, मतलब ऐसा फिगर बनाए, ठीक है, और इसको इसमें लगा दिए, जोड़ दिए, ठीक है। हाइपोटेनस था, ये हमारा बी था, ये ए था, ये सी था, ये 90 डिग्री था, 20 था, 15 था, और ये हम लोग का लाइन जा रहा है, ये लाइन गया, ठीक है। और ये हमारा क्या बना रहा है, मान लेते इसको डी पॉइंट, मानते डी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे निकलता है, आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आता होगा, पाइथागोरस थ्योरम आता होगा, 10th क्लास से पढ़ रहे होगा आप लोग, ठीक है, 9th-10th से। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच क्या है हमारा, हाइपोटेनस तो फाइंड करना है, बी स्क्वायर क्या है, 20 का स्क्वायर 400, अब P का क्या हो जाएगा, 225, मतलब 625 का रूट अंडर कर दो, मतलब इधर स्क्वायर इधर इधर, मतलब H का आएगा, तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 25, ठीक है।
हाइपोटेनस पूरा का। अब हम लोग को क्या लाना है, इतना इसका एडी का लाना है, ठीक है, एडी का डिस्टेंस लाना है। एडी निकाल लेते हैं, ये तो आप लोग को पता हो, एडी तो आप लोग निकाल सकते हो, इसका फॉर्मूला पता होगा। 15 इंटू क्या करेंगे हम लोग, 20 डिवाइडेड बाई 25, तो 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा, ठीक है, 5 4 ज़ा कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर। बट स्पीड कितना दी आपको, एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर बराबर, ठीक है, एंड देयरफॉर टाइम बराबर 12 बाई 30, तो कितना आ जाएगा, 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा, तो कितना आ जाएगा, 6 टू 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 सिक्स 12, सॉरी लाइक मैं भी यहाँ पे डिवाइड उल्टा कर दिया, इसको से क्या कर दो, 6 2 12 कर दो, 6 5 30 कर दो, 2 बाई 5 कितना होता है आपका, 0.4 आवर, मतलब 0.4 इज योर आवर इज योर राइट आंसर। सीधा सा आपसे सिंपल क्वेश्चन था, लाइक इसमें फिगर बनाओ, हाइपोटेनस निकालो, उसका डिस्टेंस निकालो, जो आपका स्पीड है 30 उसको बाई 30 कर दो, ठीक है, बस यही था मैंने स्टेप किया है, और तो कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। ये तो फिगर मैंने बनाई है फिर से, क्योंकि आप लोग फिर से समझ जाओ, ठीक है, बट आप लोग इजिली 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सम ऑफ ए रेगुलर इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन इज 1440, वट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगोन, ठीक है, मतलब बोल रहा है द सम ऑफ द रेगुलर इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, 1440 है, ठीक है, उसका इंटीरियर एंगल का जो बता रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, पॉलीगॉन के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे, पॉलीगॉन के बारे में, तो पॉलीगॉन के बारे में अगर मैं शॉर्ट सा बताऊं पॉलीगॉन के बारे में, तो उसमें एक इंटीरियर होता है और एक एक्सटीरियर होता है एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल होता है और एक एक्सटीरियर होता है। अगर मैं बात करूं इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, ये सभी को पता होगा, और मैं बोलूं एक्सटीरियर एंगल क्या होता है हमारा, 360, 31 नहीं है, 360 है सीधा, क्या होता है, 360 बाई n, मतलब डिग्री, 360 डिग्री बाई n होता है, और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर करोगे आप लोग, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल करोगे तो कितना आता है आप लोगों के पास, 360 डिग्री, ये सभी को पता होगा यहां तक, ठीक है। और मैं यहां पे कुछ फॉर्मूलेस की बात कर दूं, लाइक सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का मैं बात करूं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल्स का साइन है, ठीक है, तो क्या होता है, एन माइनस टू 180 डिग्री। ये मैं जितने भी लिखा रहा हूं आप लोग सब लोग नोट करते रहना, कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछता है एग्जाम में, मैंने देखा है सिंपल फॉर्मूला पूछा था एक बार टिस्क के एग्जाम में, सिंपल सा फॉर्मूला पूछा था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये टिस्क के एग्जाम में सबसे लाइक 2022 का मैं बता रहा हूँ, टिस्क के एग्जाम में सिंपल सा एक क्वेश्चन था, पॉलीगन का सीधा फॉर्मूला पूछ लिया था वो, ठीक है, तो ये सीमेट और सीईटी में भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि सब नॉन कैट एग्जाम का सेम ही रहता है। और मैं बात करूं लाइक ईच इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, ईच इंटीरियर एंगल का, ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, एन माइनस टू इंटू 180 बाई n, ठीक है। और मैं एक लास्ट का फॉर्मूला बता दूं, डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल लेकर के पूछता है, ठीक है, नंबर ऑफ
डायगोनल, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है, एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। तो ये सब फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब, ठीक है, ओके, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये सब आप लोग याद रखना, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आप लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इतना, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का हम लोग क्या बोले थे, एन माइनस टू इंटू 180, तो इधर हम लोग साइड में बनाते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं थोड़ा सा, ठीक है, इधर बनाते हैं हम लोग, ठीक है, क्या होता है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, कितना दिया हमारे पास 1440, ये तो सभी लोग को दिख रहा होगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर 18 से ये 8 बार में कट जाएगा, हाँ 8 बार में, तो 8 माइनस उधर जाएगा प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, एन बराबर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ से निकालते हैं हम लोग, ई ई से डिनोट होता है, ठीक है ना, 360 बाई एन मतलब 10, एक जीरो से एक जीरो गया तो कितना आया हमारे पास 36, ठीक है 36 डिग्री आ गया। अब उसी तरह इंटीरियर निकाल लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग के पास, इंटीरियर का मैंने बताया था ना क्या होता है 1440, मतलब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 1440 हमारा दिया हुआ था, बाई एन, एन करोगे तो 1440, एन कितना हमारा है 10 आया है, तो एक जीरो से एक जीरो चला गया तो कितना आ गया 144 डिग्री, एक एक्सटीरियर कितना है 36 और इंटीरियर कितना है 144, तो 144 माइनस 136 यहाँ कर लो कितना आएगा 140, डिफरेंस ही ना पूछा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर, तो एक्सटीरियर इंटीरियर आ गया 144 माइनस 36 तो कितना आ जाएगा 108 डिग्री, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये भी पॉलीगन का था क्वेश्चन, ठीक है, तो ये पॉलीगन देखो मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल से आते हैं, पॉलीगन से आते हैं और आपके सर्कल से आते हैं ये सब, और ट्रायंगल से आते हैं, ट्रायंगल्स तो मेनली क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ट्रैपेजियम ट्रायंगल ये सबसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो ये सब चैप्टर हमेशा पढ़ के जाना, बाकी पढ़ो या ना पढ़ो रोम्बस और जितने सब फॉर्मूलेज याद रखो, बट ये सब चैप्टर जरूर पढ़ के जाना, ये सब 100% एग्जाम में आएंगे ही आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है, इफ द डिफरेंस ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 100 देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ सच पॉलीगन, तो मैंने डायगोनल के पीछे फॉर्मूला लिखाया है, ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है सम ऑफ डिफरेंस, मतलब हम लोग जानते हैं यहां पे बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर और एक्सटीरियर का दिया हुआ है कि आपको 100, और ये भी हम लोग जानते हैं जो मैंने पिछला फॉर्मूला लिखाया है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या उतना कितना होता है ये 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैंने ये तो होता ही है, तो मान लेते हैं वो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है आपके पास 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें हम लोग, ठीक है, सॉल्व तो सबको करने आता होगा, ठीक है, इतना तो आता होगा, ठीक है, ये माइनस माइनस हो गया तो ये आई से आई कटा, 2e हो गया, ये कितना हो गया 80, ओके ई बराबर कितना हो गया हमारा 40, ठीक है, ई बराबर हमारा क्या आ गया 40, ठीक है, एक्सटीरियर, तो यहाँ पे एक्सटीरियर निकाल लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 360 बाई एन, तो ई हमारा आया हुआ है तो एन आ जाएगा हमारा साइड 360 बाई 40, एन कितना आ जाएगा 9, साइड आ गया हमारे पास। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल लो जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू,
ठीक है, मतलब क्या था एन इन टू एन माइनस थ्री अपॉन टू, यही था फॉर्मूला। ठीक है, एन कितना हमारा 9 है, फिर 9 माइनस 3 करोगे यहाँ पे, फिर 9 माइनस 3 अपॉन टू 6, 9 माइनस 3 6, 2 3 जो कितना आ गया आपके पास 27, तो 27 आपके पास डायगोनल आ जाएगा। ठीक है, 27 नंबर ऑफ डायगोनल आपके पास आ जाएगा, 27 इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन आर इन द रेशियो, ठीक है, 2:3, एंड ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल आर इन द रेशियो 9:10, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू पॉलीगन्स आर कितना होगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू पॉलीगन दिया हुआ है, ठीक है, 2:3, एंड देयर इंटीरियर एंगल का दिया हुआ है रेशियो 9:10, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू पॉलीगन्स आर बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग इतना जानते हैं कि क्या है, अभी मैंने हम लोग पढ़ा है इंटीरियर एंगल का भी मैंने पढ़ाया है, क्या था इंटीरियर एंगल का भी मैंने पढ़ा है, क्या था एन माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई एन, ये फॉर्मूला भी मैंने जस्ट पढ़ाया है। ठीक है, ये वाला जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये जस्ट पढ़ा हूँ अभी, पढ़े हम लोग, तो इसी को यहाँ पे पुट किया। और हमारा क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन से कितना दिया हुआ है 2:3, तो मान लेते हैं इसको 2x और 3x, ठीक है, 2x और 3x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2x है ना, तो यहाँ पे 2x को जो यहाँ पे पुट कर दो, 2x माइनस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3x, ठीक है, सॉरी डिवाइडेड बाई 2x ही ना होगा यहाँ पे, फर्स्ट ही ना ले रहा हूँ अभी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2x बाई एन ही था ना, इंटू क्या करेंगे हम लोग 180, एक रेशियो ये आ गया, दूसरा क्या था हमारा 3x पे लेंगे, ब्रैकेट में डाल दो 3x-2 डिवाइडेड बाई 3x इंटू 180, ठीक है, इतना कर दिया हम लोग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे 180 से 180 चला गया, x से x चला गया, और यहाँ पे इक्वल टू में जो हमारा इंटीरियर एंगल कितना था 9:10 था, ये तो गिवन था। अब क्या करेंगे, इसको 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, x-1 किया, ठीक है, ठीक है, उसके बाद लाइक ये जो था हम लोग के पास, ठीक है, ये जो है हमारा, 1 सेकेंड मैं इसको अभी नहीं निकालता हूँ बाहर, अभी हम लोग जैसे ही जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, 2x-2 था हमारा, ठीक है, ठीक है, 2x-2 था। अगर आप लोग जानते हो कि डिवाइड करते हो तो नीचे वाला नंबर ऊपर आया था, यहाँ पे 3 आ जाएगा, आ गया, नीचे क्या था 3x-2 था, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2, पलट जाता है नंबर, और हमारा इक्वल टू में कितना था 9:10। तो यहाँ से हम लोग बोले कि 3 से मैं 3 बार में 9 काट सकता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ ये, और मैं बोलूँ 2 से अगर मैं 2 यहाँ कॉमन ले लूँ x-1, ठीक है, x-1 ले लूँ यहाँ कॉमन, ओके, और ये 2 से, ये 2 तो नीचे ही था,
और 3x-2 था ये, ठीक है, और इधर क्या था हमारे पास 3/10, ठीक है, 1 2 से 1 2 गया, 10x-1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 10x-1 इधर बचाओ, 3 3 9x, 9x-6, ठीक है, एक्स बराबर क्या आ जाएगा फिर इधर आ जाएगा, तो 6-1 कितना आ जाएगा, 6-10 कितना आ जाएगा, ये 10 था, ठीक है, 10 × 1 10x, ठीक है, 10 × 1 कितना 10, तो ये कितना आ जाएगा बस 4, एक्स बराबर 4। तो रेशियो कितना था हमारे पास, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू पॉलीगन, तो साइड्स कितना था हमारे, 2x और 3x-थे, ठीक है, माने थे हम लोग, तो 2x क्या, एक्स की जगह बैठा दो, 1 8 आएगा, 1 कितना आ जाएगा, 12 आएगा, दिस इज योर आंसर, 8 और 12, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन ए ट्रायंगल द लेंथ ऑफ टू लार्जर साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड इज, तो आपसे पूछ रहा है द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड इज क्या है, ठीक है, तो मानते हैं लाइक एक ट्रायंगल है, पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना, ठीक है, ये सब क्वेश्चन, ये हम लोग क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें लाइक मैं बोलूं जो ट्रायंगल में होता है कि लाइक इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपका, एक 15 दिया हुआ है, एक 13 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है द एंगल ऑफ द एपी द रिमेनिंग साइड इज कितना है, ठीक है, रिमेनिंग साइड आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो लाइक एक ट्रायंगल है, यहाँ पे मैं बोलूँ एक बी है, एक ए है और एक सी है, ठीक है, एक ट्रायंगल है यहाँ पे, और इसका साइड मैंने डाल दिया और इसका एंगल मैंने डाल दिया एक्स, एक्स दिया वाई और जेड, ठीक है, ये लिख दिया, और एक बात मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ठीक है, ये ए है, ये ए है, ठीक है, ये देखो एक बात हमेशा देखना, जितना बड़ा एंगल होगा किसी भी ट्रायंगल का, जितना बड़ा जैसे कि एक्स है, उसका जो अपोजिट साइड होगा वो उतना ही बड़ा होगा, मतलब एक्स जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा उसका क्या होगा, अपोजिट साइड, मतलब ए, अपोजिट उसका क्या है, ए, और एंगल वाई का कौन अपोजिट होगा, इसका साइड क्या होगा, सी अपोजिट होगा, मतलब वाई का अपोजिट क्या होगा आपके पास, सी, तो उसका एंगल कितना होगा, उतना ही बड़ा होगा, और एंगल जेड का क्या है अपोजिट, बी, ठीक है, एंगल जेड का क्या है अपोजिट, बी, ठीक है, तो उतना ही उसका अपोजिट साइड क्या होगा, बड़ा होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग। तो इस ट्रायंगल में हम लोग बात करते हैं एपी में, एपी में जब भी हम लोग तीन का बात करते हैं, तीन नंबर का बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखना, ए माइनस डी लेते हैं हम लोग, इसको आप लोग पता होगा, फिर एक क्या लेते हैं हम लोग, ए लेते हैं और एक क्या लेते हैं, ए प्लस डी, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसे हम लोग एपी में लेते हैं नंबर, तीन नंबर जब लेना रहता है तो, ओके, उसी का तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे यहाँ पे ए माइनस डी प्लस, हम लोग ये इसलिए लेते हैं ताकि हम लोग डी से डी कट जाए, ठीक है, ताकि ए हमारा आ जाए, ठीक है, और ए प्लस डी बराबर 180, तो डी से डी कट गया, 3a बराबर 180, ए बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ गया, ठीक है, 60, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये ट्रायंगल है, मानते हैं यहाँ पे ये 60 है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ यहाँ पे, 60 + d, सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा 60 - d, ठीक है, ओके, ये मीड वाला होगा, ओके, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि
कि सबसे बड़ा कौन नंबर है, 15 है, फिर उससे छोटा 13 है, फिर उससे छोटा मानता है एक्स, ठीक है, एक्स तो सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर के आगे जो सबसे बड़ा साइड होगा वो कौन सा है, मतलब 15 है जैसे मैंने बताया था अभी, तो 60 प्लस डी के सबसे बड़ा नंबर है, तो 60 प्लस डी का अपोजिट क्या होगा, 15, उसके बाद कौन है 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट क्या होगा हमारा, मान लेते हैं यहाँ नेम दे दो, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, तो उससे 15 से नीचे कौन छोटा है, उससे 13 है, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 13, और ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन है 16 माइनस डी, तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा हमारा एक्स आ जाएगा, इतना तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ता हूँ, इसी को समझाता हूँ, ठीक है, इसी को हम लोग समझाते हैं क्या है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक मैं ब्लैंक पेज लिया हूँ, लाइक हम लोग अब कॉसिन फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, मैं फिर से इसको रिपीट करूँगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉसिन रूल आप लोग जानते होंगे क्या होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे साइन रूल लगाऊंगा ना, साइन रूल से आप लोग का रेशियो में आ जाता है, तो यहाँ पे लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं कॉसिन रूल लगा रहा हूँ, ठीक है। कॉसिन रूल आप लोगों को पता होगा क्या होता है, कॉस ए होता है, कॉस ए होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, इतना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कॉस 60, हम लोग क्या आया 60 ही ना आया है, 60 डिग्री तो आया है, तो कॉस 60 आया है, कॉस 60 इक्वल टू बी कितना था हमारा, बी कौन सा था, ये वाला था ना 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, ए कितना था हमारा, ए कितना था 13, 13 कितना आ जाएगा हम लोग के पास, सॉरी ए कितना था हमारा एक्स था ना, बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस सी कितना था हमारा एक्स था, तो एक्स का स्क्वायर माइनस ए कितना था 169, ठीक है, इतना समझ गए होगे। 2bc 2 इंटू बी कितना है, बी था आपका पास 15 इंटू सी, तो 15 एक्स था ना, ठीक है, 2 इंटू 15 इंटू एक्स कर दोगे, कॉस 60 कितना होता है आपका 1/2, ये सब याद रखना, रेशियो कितना होता है सबका, कॉस 60 क्या होता है, कॉस 1 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली कर लो 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 169, ये क्या हो जाएगा बस 30x, 2 से 15 बार में गया तो 15x हो गया, तो यहाँ पे जो सिंपल सा आएगा एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 15 इधर कर दोगे 15x उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस 15x, मतलब ऐसे करोगे ना ऐसे जाएगा, फिर तो वैसे ही ऊपर उधर आएगा इक्वल टू में, और 225 माइनस 169 कितना होता है 56 इक्वल टू 0। अब इसको अर्थमेटिक ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इसको इक्वेशन बन गया, तो कितना 7 8 56 हो रहा है, तो यहाँ पे 7 बन रहा है और एक 8 बन रहा है आपका नंबर, तो ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, रिमेनिंग जो लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड है वो क्या आपका 7 और 8। देखो मैं इसको सिंपल से बता देता हूँ आपको, फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है इन ए ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द टू लार्जेस्ट साइड्स आर 15 और 13 है, दो साइड्स आपको दिया हुआ है बड़ा बड़ा, ठीक है, लार्जर साइड्स 15 और 13, द लेंथ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन AP, ठीक है, द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग, पहले एंगल देख लो, पहले इसको छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, पहले एंगल ही निकालो, ठीक है, एंगल क्या होता है, मैंने 3 का हम लोग निकालना है तो a माइनस डी करते हैं, a करते हैं और a प्लस डी करते हैं, तो इतना हम लोग करते हैं, तो उसको निकालने के बाद हम लोग a कितना आ जाता है 60, ठीक है, 60 डिग्री हम लोग का आ जाता है, तो अगर एक 60 सबसे होगा तो सबसे बड़ा हम लोग क्या होगा 60 प्लस डी, उससे छोटा 60, फिर उससे सबसे छोटा क्या होगा 60 माइनस डी, ठीक है, 60 माइनस डी सबसे क्या होगा छोटा होगा। अब मैंने एक चीज यहाँ पे बताया है कि एक ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल है, मैं इसका बात कर रहा हूँ, यहाँ पे
अगर किसी ट्रायंगल का अगर एक एंगल यहाँ पे एक्स है तो उसका अपोजिट वाला जो साइड होगा वो क्या, वो भी बड़ा होगा। ठीक है, मतलब दोनों अगर एक्स भी एक्स एंगल बड़ा है तो उसका अपोजिट साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर वाई एंगल बड़ा है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, जो सी है वो भी बड़ा होगा। ठीक है, अगर जेड एंगल है उसके अपोजिट एंगल बी है तो बी भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर 60+D अगर सबसे बड़ा मैंने लिया है तो उसके अगर मैं सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है 15 और 13 में 15 है तो 15 क्या होगा, बड़ा होगा। 60 डिग्री है उसके नीचे क्या है 15 से छोटा क्या है 13, तो 60 डिग्री के उसके सामने अपोजिट एंगल क्या होगा 13, तो वो भी क्या होगा, बड़ा होगा साइड। और सबसे छोटा क्या है 60-D, तो 60-D सबसे छोटा है, उसके सामने वाला एंगल क्या होगा एक्स, जो सबसे छोटा एंगल मैंने हम लोगों ने माना है। ठीक है, तो ये है। और उसके अगर आगे मैंने चला है तो कॉसिन रूल लगाया, क्योंकि साइन रूल यहाँ पे लगाने से कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रेशियो में ही आएगा, क्योंकि रेशियो सॉल्व कितना करोगे वो कोई फॉर्मूला ही नहीं बैठेगा वहाँ पे, इसलिए कॉसिन रूल आप लोग याद रखना। कॉस ए होता है b² + c² - a² / 2bc, तो कॉस 60 हम लोग आया है, जो 60 हम लोग का ए का वैल्यू आया था, उसके बी स्क्वायर हम लोग कर दिए सी स्क्वायर। ठीक है, और -a² ये सब जितना निकाल कार्ड कार्ड काट के छाट के जितना आएगा आपको, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग जितना आएगा 7:8, मतलब x² - 15x + 56 = 0 करोगे, 7 और 8 आपका x का वैल्यू आएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लाइक क्या बोल रहा है, इन एन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, डी एंड ई आर द मीड पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड बी सी। ठीक है, सच डेट डी इज पैरेलल टू ए सी, सच डेट डी इज पैरेलल टू ए सी इफ ए डी इज टू डी बी, इफ ए डी इज टू डी बी इक्वल टू 5:3, देन वॉट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी टू डेट ऑफ ट्रेपेजियम ए सी डी। ठीक है, मतलब बोल रहा है, तो जैसे जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, पहले पढ़ो। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है यहाँ पे, क्या है ट्रायंगल एबीसी है, जैसे जैसे लिख जैसे जैसे बोला हम लोग वैसे वैसे करते हैं, एक ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, क्या बोला है, डी एन मीड पॉइंट्स ऑफ ए बी। ठीक है, मतलब ये इसका डी है, इसका मीड पॉइंट मतलब ए बी का, या मैं डॉट कर दू डी, और ई इसका क्या है बी सी का मीड पॉइंट, सच डेट डी इज पैरेलल टू ई, मतलब डी इसमें लाइन ज्वाइन कर रहा है डी के, इफ ए डी इज टू डी बी क्या है 5, मतलब 5:3 ये 5 है और ये 3 है। ठीक है, ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ बी डी सो डेट द ट्रेपेजियम ए सी डी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि आप जो मुझे बताओ कि अगर एक लाइन है ये, ठीक है, लाइन है, अगर दो यहाँ पे पैरेलल लाइन जुड़ा हुआ है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है, दो अगर एक लाइन पे अगर दो मतलब पैरेलल यहाँ पे लाइन गया हुआ है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँ अगर एक ये एंगल है तो ये भी एंगल इससे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। ठीक है, होगा, और अगर ये भी एंगल है मतलब एंगल ई पे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग सी भी एंगल इक्वल होगा इसके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो क्या है बी डी इक्वल क्या है बी ए सी, बी ए सी बड़ा वाला, तो हमारा साइड कितना दिया हुआ है यहाँ पे BDE का कितना है 3 दिया हुआ है, और इसका कितना दिया हुआ है आपके पास 8। एरिया निकाल लो यहाँ पे, एरिया कितना आता है इसका स्क्वायर कर दो कितना आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 8 का कितना होता है 64, सॉरी इसका पावर हटा दो 9 के ऊपर। ठीक है, तो 9:64, ओके। 8 यहाँ पे क्यों मैंने लिया बी एस सी का, क्योंकि पूरा आप लोग यही है ना, पूरा तो ये है, तो अगर इसका 5 इसका 3 है तो पूरा क्या होगा 5+3 होगा ना, 5+3 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 9:64, मतलब ये 9 है। ठीक है, और ये पूरा क्या है, पूरा का
64, ट्रायंगल कितना है 64 है, तो ट्रेपेजियम का लाना है, ये वाला लाना है, तो 64 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 64 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा, 55 आएगा, तो 9:55 इसका रेशियो आएगा ट्रेपेजियम का, बी डी टू ए सी ई डी, ठीक है, 9:55 इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, छोटा सा क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट है बट ये सब क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन एन सर्कल, अब सर्कल का क्वेश्चन आ गया, इन एन सर्कल विथ सेंटर ओ एंड आर्क ए बी सी सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 132, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट बी, देन फाइंड द एंगल सी बी पी, ठीक है, सी बी पी, मतलब यहाँ बोल रहा है एक सर्कल है, ठीक है, लाइक हम लोग पहले बना ले, सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, आई थिंक फिगर थोड़ा सा थोड़ा लाइक सर्कल नहीं हुआ बट समझ जाओ, ठीक है, सर्कल है ये। क्या बोल रहा है, एक आर्क ए बी सी है, ठीक है, मान लेते ये आर्क है, ये डॉट बना दिए, एक ये है, ए बी सी है, और सबस्टेंस एन एंगल 132, मतलब यहाँ पे एक सबस्टेन किया गया है डॉट, यहाँ पे सेंटर वो है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे गया हुआ है 132, ठीक है, कॉर्ड ए बी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ए बी जो कॉर्ड है, मतलब ए और बी पी तक गया हुआ है, कोई पॉइंट पी है यहाँ पे, वहां तक गया हुआ है, ठीक है, देन फाइंड द एंगल सी बी पी, सी बी पी मतलब ये भी ज्वाइन होगा यहाँ पे, सी बी पी आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये एक्स है, इसको मान लिए, ठीक है। अब मैं बात करूं कि ये 132 डिग्री है, अगर आप लोग सर्कल पढ़े होगे तो यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को अगर यहां तक ज्वाइन कर दूं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, इतना आप लोग पढ़े होगे, अगर ये 132 डिग्री है तो ये कितना होगा, इसको मान लेते हम लोग एंगल पी, एंगल पी मान ले, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ होता है, 132 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, 66 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 66 डिग्री, तो ये 66 डिग्री होगा, ये 66 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं पी ए, पी ए बी सी, ठीक है, पी ए बी सी क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन जाएगा, इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, पी प्लस 66 डिग्री इक्वल टू 180 करेंगे, पी कितना आ जाएगा हमारे पास, 144, ठीक है, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, 144, ओके, तो यहां पे ये वाला जो है हमारा साइक्लिक वाला, ये भी पी है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 144, ठीक है, 144 पी मत समझना, ये 144 हमारा पी का वैल्यू आया, ये अगर 144 है, ये एक्स है, तो ये लीनियर पीरियड से ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो नाउ जो हम लोग करेंगे, पी प्लस एक्स, इसी का एक्स का वैल्यू लाना है, 180 करेंगे, तो 144 है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना है, 180 माइनस 144, तो कितना आ जाएगा, 66 डिग्री, तो ये इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, एक्स का 66 डिग्री, ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था ये। पहले हम लोग क्या किए, एक सर्कल बनाए, ये वाला पूरा सर्कल बनाए, उस पर हम लोग क्या किए, जिससे आर्क दिया हुआ था वो बना लिया, ठीक है, आर्क बना लिए, उसके बाद हम लोग क्या किए, एंगल जितना था वो बैठा लिए 132, उसके बाद हम लोग एक क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए ऊपर के, फिर नीचे आया,
तो उसका हाफ हो जाएगा क्या, 132 का 66। फिर 66 का अगर बोले तो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा था, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा था यहाँ पे। तो इसका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर अगर मैं ये वाला बोलूँ बी का जो था पॉइंट, वो हम लोग निकाल ली कितना आया था, 144। ठीक है, और फिर हम लोग ये लीनियर पेयर से क्या कि ये अगर 144 था, ये एक्स था, ये लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता और उसका 180 के इक्वल था। तो वहाँ पे हम लोग एक्स निकाल लिए, 180 माइनस 144 करके यहाँ पे हम लोग 66 डिग्री आ गया एक्स का वैल्यू। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे ये क्वेश्चन को। चलो हम लोग चलते आगे। ठीक है, एट रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, इट्स डायगोनल सी ए, इट्स डायगोनल सी ए इज प्रोड्यूस टू पॉइंट ई आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, ई डी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट डी, इफ ए सी इक्वल टू 2 BC देन वॉट इज द मेजर ऑफ एंगल डी ई सी। ठीक है, मतलब मेजर पूछ रहे हैं आपसे डी ई सी का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाइक आपको सी ई टी में मिलेंगे, सी मैट में भी लाइक आपको मिलते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, जो थोड़ा सा लाइक आपको थोड़ा यही सब क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा क्या है। चलो हम लोग देखते हैं, ए रेक्टेंगल बोल रहा है, ए बी सी डी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है यहाँ पे, मतलब एक सर्कल है बोल रहा है एक सर्कल के अंदर। ठीक है, सर्कल तो लाइक ड्रॉइंग नहीं हो रहा है। ठीक है, लाइक वन सेकेंड, शेप्स मैं लेके मैं करता हूँ। ये बनेगा। लाइक एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल हम लोग बना लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग ड्रॉ करते हैं क्या है, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, इसके अंदर इंस्क्राइब किया हो गया। ठीक है, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, इसके अंदर इंस्क्राइब किया गया ए बी सी डी। ठीक है, अब बोल रहा है विद सेंटर ओ, इट्स डायगोनल सी ए, मतलब इट्स डायगोनल ये सी ए है, इट्स डायगोनल सी ए टू पॉइंट ई। ठीक है, टू पॉइंट ई मतलब ये बाहर जा रहा है, टू पॉइंट ई है ये आउटसाइड द सर्कल। ई डी इज अ टेंजेंट, ये जो है ई डी, ई डी भी एक टेंजेंट है यहाँ पे, ई डी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल डी, इफ ए सी बराबर 2 BC देन वॉट इज द मेजर ऑफ एंगल डी ई सी। तो डी ई सी का आपके पूछ रहा है मेजर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करो कि हम लोग पहले एक ट्रायंगल यहाँ पे उठाते हैं। क्या है ये, हमारा बी था, डी मत समझना इसको, ये बी था। ठीक है, ये बी है, आप लोग को यहाँ पे ए बी सी एक ये वाला दिख रहा है, ये वाला जो मैं सेट कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल दिख रहा होगा आप लोग स्क्रीन पे। तो इसको हम लोग साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री है, ये सी है, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इफ ए सी बराबर 2 BC, जो ए सी है, अगर ए सी 2 है तो ये 1 है, 2 BC बोल रहा है ना, इफ ए सी इक्वल टू 2 BC। ठीक है, 2 BC, और ये एंगल क्या है हमारा, थीटा है। ठीक है, थीटा होगा, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ना, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा यहाँ लग जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 1/2। तो हम लोग थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 30 डिग्री। इसको मैं एक में वन सेकेंड इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ए का मतलब ये वाला, ये वाला
तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब आप लोग बोलेंगे क्यों होगा ये 30 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा रेक्टेंगल में, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर एक लाइन पे ऐसे रहे डायगोनली तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अगर ये एंगल अगर इधर है तो ये एंगल इधर क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, ठीक है, जो इधर रहता है वो इधर भी होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। और मैं बोलूँ यहाँ पे डी जो आप लोग पॉइंट देख रहे हो, ठीक है, ई डी जो टेंजेंट है हमारा, ई डी ये वाला टेंजेंट है, तो यहाँ पे अगर डी ए से अगर मैं आगे बढ़ूँ, डी ए से अगर होके मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, डी ए को अगर लेकर मैं होकर जाऊँ, ठीक है, तो कहाँ पर ये जाकर मिल रहा है देखते हो, यहाँ पे कहाँ पे 30 डिग्री मिल रहा है, ठीक है, ये डी सी भी 30 डिग्री पे ऐसे जाके मिल रहा है ये वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री है सो हमारा एंगल डी भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री ही होगा, ठीक है, 30 डिग्री ही होगा। और ये जो डी है हमारा, ये जो हमारा डी है वो तो 90 डिग्री ऑब्वियस ही बात है ये होगा, क्योंकि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ओके, तो हमारा लीनियर पेड़ से ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा हमारा 120, ये कितना हो जाएगा 120, 120 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ओके। और फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग को क्या निकालना है, डी ई सी, ठीक है, क्या निकालना है, डी ये वाला और ई सी मतलब ये वाला ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये ई निकालना है हम लोग को, ये क्या हम लोग का 120 और ये क्या हम लोग का 30, ठीक है, तो 120 प्लस 30 प्लस एंगल ई निकालना है हम लोग को बराबर 180 करोगे, एंगल ई कितना आ जाएगा आपके पास, एंगल ई चाहे एक्स मान लो कुछ भी मानो, 180 120 30 तो ये 30 डिग्री आएगा आपको, ये 150 होगा ना, इस 120 प्लस 30 करोगे फिर 150, 180 माइनस 50 करोगे 150 तो 30 डिग्री आएगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन को, आई थिंक ये हम लोग स्लाइड का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक ट्रायंगल था ए बी सी डी, वो इंस्क्राइब था सर्कल में, ठीक है, ये सर्कल है जो हम लोग बनाए हैं ग्रीन कलर से जो आप लोग देख रहे हो ये वाला सर्कल, ठीक है, इसके अंदर रेक्टेंगल था, ठीक है, और इसमें जो था सी ए जो था डायगोनल था, सी ए वो ई तक गया था आउटसाइड में, ठीक है, ईडी एक टेंजेंट था, ईडी भी टेंजेंट था एट सर्कल डी, और उसके बाद इफ ए सी बराबर 2 BC बोल रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ डी सी, ठीक है, डी सी का हम लोग निकालना था, डी सी मतलब ये वाला डी सी हम लोग को निकालना था, डी सी ये वाला, ठीक है, ऐसे वाला जो देख रहे हो आप लोग, ठीक है, तो डी सी हम लोग को निकालना था, वन सेकेंड इज ट्रायंगल ये, ठीक है, डी सी निकालना था, तो हम लोग क्या कि ये जो जो मैं सेड कर रहा हूँ ये वाला, इसको हम लोग पहले बाहर कर लिए, अलग से फिगर इसका बनाए राइट एंगल ट्रायंगल में, जो 2 BC बोल रहा है इसी बराबर 2 BC, तो इसको 2 था ये 1 था, तो 2 है इसका 1 था, तो साइन थीटा से हम लोग क्या निकाल लिए 1/2 इसका रेशियो में, तो 1/ क्योंकि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है 1/2 30 डिग्री हमारा आ गया, तो ये हमारा 30 डिग्री था, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, वन सेकेंड मैं इसको, तो ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या हो जाए 30 डिग्री, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप लोग जानते होंगे ये सब पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो हमारा जो डी से हम लोग इधर बढ़ रहे हैं, डी से ये वाला जो बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, ये जो इधर आओगे तो ये हमारा अगर 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये हमारा अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री ही होगा, ठीक है, ये ऐसा होता है, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री एंगल डी उसका, ये तो आप लोग जानते हो 90 डिग्री, तो ये जो मैंने बना क्या 90 लीनियर पेयर से 90 प्लस 30 इक्वल हो गया 120 हो गया, और ये 30 डिग्री ऑलरेडी था, और हम लोग क्या फाइंड करना था एंगल ई, तो मतलब एक्स या ई, तो 120 प्लस 30 प्लस एंगल एक्स या ई इक्वल टू 180, तो 150 हो जाएगा 120 प्लस 30, 150 माइनस 180 करोगे 180 माइनस 150 तो वो 30 डिग्री आपका
आ जाएगा ये वाला वैल्यू, तो आपको इसी को फाइंड करना था। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख कर जाओ, एक बार दो बार अगर समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ताकि आप लोग के दिमाग में सब क्वेश्चन आ जाए। एग्जाम में ये सब कभी भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सीमेट सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आज डिस्कस कराई ये क्वेश्चन, आई थिंक आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी ये वीडियो, ठीक है। इसी तरह वीडियोस अभी आते रहेंगे, जब तक सीमेट सीईटी के एग्जाम नहीं होती है तब तक अभी डेली रिवीजन वीडियोस आ रही है, और आप लोग चैनल पर बने रहना। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर किया करना चैनल को, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब मैंने देखा है बहुत कम लोगों ने किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और जितने भी ग्रुप्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं वहाँ पर जरूर जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।